हेलो फ्रेंड्स, आई एम कृति। वेलकम टू माय चैनल फैशन वर्ल्ड माय स्टाइल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कमरबंद शेयर करने वाली हूँ। तो आइए चलिए देख लेते हैं इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर का यूज़ किया है। ये पेस्टिंग पेपर कॉलर में यूज़ होता है। यहाँ मैंने दो पेस्टिंग पेपर को अटैच कर लिया है। तो अगर आपके पास पेस्टिंग पेपर ना हो तो आप किसी भी मोटे पेपर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम ब्लैक फैब्रिक के पूरे पेस्टिंग पेपर को कवर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्टिचिंग का यूज़ किया है। अगर आप स्टिचिंग का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप ग्लू गन का भी या ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टिचिंग से क्या होता है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने अपने लेस को भी अटैच कर लिया है। यहाँ पे मैंने गोल्डन लेस का यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर के लेस का, किसी भी कलर के फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका यूज़ करिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर कॉम्बिनेशन को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम कुछ डेकोरेट करेंगे अपने कमरबंद को। तो यहाँ मैं बर्फ़ी के शेप के कुछ ग्लासेस ले रही हूँ, जिसे मैं डेकोरेट कर रही हूँ। और ये कमरबंद हम नवरात्रि के लिए बना रहे हैं। तो इसमें नवरात्रि में बहुत से कलर का यूज़ होता है। कलरफुल हम लोग ड्रेसेस पहनते हैं फॉर गरबा। तो ये बहुत कलरफुल फेस्टिवल है, एक तरह से हम कह सकते हैं इसको कलरफुल फेस्टिवल। तो बहुत अच्छा लगता है रेडी होना फेस्टिवल में, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनना, कलरफुल ड्रेसेस पहनना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई होप आपको भी अच्छा लगता होगा। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपके साथ नेकलेस की वीडियो शेयर की थी। इस बार मैं आपके साथ कमरबंद शेयर कर रही हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ ट्राई कर रही हूँ आप भी अपने फेस्टिवल को अच्छा बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए आप भी कुछ ना कुछ ऐसे ही ट्राई करते रहिए। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपके लिए मैं किस टाइप की वीडियो लाऊँ आप ये भी मुझे बताइए। और मैं कुछ ना कुछ तो ट्राई कर रही हूँ, तो आप मुझे बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और देखिए, ऐसे ही मैंने पूरे कमरबंद में अब इसे लगा लिया है। अब हम यहाँ ग्लिटर का यूज़ करेंगे, जिससे हमारा मिरर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। तो यहाँ पे हम कुछ कलरफुल चीज़ों का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं कलरफुल पॉम्पम का भी यूज़ करूँगी इसे डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि कलरफुल ही अच्छा लगता है। जितना कलरफुल रहेगा उतना ही अच्छा लगेगा। आप इसे और हैवी भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे हैवी लाइट जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा कर सकते हैं। तो आइए चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। ऐसे ही हम पूरे कमरबंद में अपने पॉम्पम को लगा लेंगे। कलरफुल पॉम्पम है ये। आप पॉम्पम की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, टैसल्स का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब ये पूरा लग चुका है, यहाँ मैंने लटकन वाली एक लेस का भी यूज़ किया है, लगा लिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे थ्रेड और निडल की हेल्प से कुछ पॉम्पम और कुछ पर्ल का यूज़ करके कुछ लटकन लगाएंगे। और ये मैं सेंटर में लगाऊंगी। और मैंने यहाँ पे कुछ 9 मोतियों का यूज़ किया है। आप चाहो तो इससे लंबा भी लटकन लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसे पूरे कमरबंद में लगा सकते हैं अगर आपको और हैवी चाहिए तो। पर मैं इसे सेंटर में ही बस लगाई हूँ। तो चलिए लगा लेते हैं इसे। जैसे आप देख सकते हो ये बनके रेडी हो चुका है, और मैंने इसे सेंटर में लगा लिया है। तो आप ये देख लीजिए। तो आप चाहो तो पूरे में लगा सकते हो। मैंने यहाँ आई एंड हुक का यूज़ किया है। आप चाहो तो यहाँ वेल्को का भी यूज़ कर सकते हो। वेल्को का यूज़ करने में आपको इसे थोड़ा सा और बड़ा रखना पड़ेगा, जिससे ये ओवरलैप करता है एक दूसरे पर और फिर बंद होता है। आप चाहो तो हाफ वेस्ट का भी बना सकते हो, उसके बाद उसमें डोरी लगा सकते हो। यहाँ मैंने फुल वेस्ट का बनाया। तो आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और मेरे चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय।